नमस्ते, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं वे अपना टॉपिक राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ। इस क्लास से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो एग्जाम BSTC का हो, चाहे रीट का हो, चाहे पशु परिसर का हो, चाहे CET का हो, कोई भी एग्जाम हो, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डिटो का डिटो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अपन राजस्थान सरकार की कुछ प्रमुख नीतियाँ कब जारी की थी, नवीनतम कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये डिस्कस करेंगे। ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, तो इसमें आप ध्यान से समझ लें और जो डेट बता रहा हूँ अपने नोट्स के अंदर लिख लें, ताकि यहाँ से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं हो। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति। ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति कब जारी की गई, तो ये थी आपकी 8 मार्च 2000 को राजस्थान की प्रथम महिला राज्य नीति या राज्य महिला नीति। फिर आता है कि राजस्थान की नवीनतम राज्य महिला नीति कब आई, तो नवीनतम देखो प्रथम आई थी 8 मार्च 2000 को और नवीनतम आ गई 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जी की जयंती पर। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सतत विकास महिलाओं के लिए। तो राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति 8 मार्च 2020, नवीनतम महिला नीति 11 अप्रैल 2021। फिर आता है कि एम सैंड नीति कब आई थी, तो ये ध्यान रखना एम सैंड नीति आती है 25 जनवरी 2021 को राजस्थान में। और ये ध्यान रखना सैंड नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैंड नीति, कौन सी नीति, एम सैंड नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, राजस्थान है। अगला देखो, बात करते हैं इसके बाद अपन कि राजस्थान पर्यटन नीति ये कब आई थी, ये आई थी अपनी 27 सितंबर 2001 को। राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला भारत का पहले राज्य बना। अब देखो, ये तो थी 27 सितंबर 2001 को आई थी प्रथम, अब ये नवीनतम पर्यटन नीति कब आई, तो इसकी अधिसूचना की बात करें, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 9 सितंबर 2020 को। फिर आता है कि गेस्ट हाउस नीति ये कब आई, ये है 16 अप्रैल 2021 को। फिर आता है कि पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम, ये है 21 अक्टूबर 2021। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, तो ये आई थी 13 अप्रैल 2011 को, प्रथम सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011। और राजस्थान सरकार है जो सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला है, इनकी पहला राज्य बना, ये भी सौर ऊर्जा में पहला राज्य है। फिर पूछे आपको कि नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई, तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 आई थी, ये कब आई, 18 दिसंबर 2019 को। तो ध्यान रखना नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को। इसका लक्ष्य क्या है नवीनतम नीति का, तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य है कि 2024 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, 30,000 मेगावाट तक उत्पादन करना सौर ऊर्जा से। फिर अगला पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा नीति प्रथम पवन ऊर्जा नीति आई 2000 के अंदर, और नवीनतम पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई है, ये आई है 18 दिसंबर 2019 को। तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही नीतियां 18 दिसंबर 2019 को नवीनतम पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, बातें हैं इको टूरिज्म नीति, इको टूरिज्म नीति पूछी जाती है, तो ये आई थी 15 जुलाई 2021 को। और एक आपकी पूछा था एग्जाम में आता है कि सिल्कोसिस नीति कब जारी की गई, तो ये थी 23 अक्टूबर 2019 को। और सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, हरियाणा, और दूसरा राज्य कौन है, तो है राजस्थान। फिर आता है प्रथम वन नीति, राजस्थान में प्रथम वन नीति की बात करें, तो वन नीति आई थी फरवरी 2010 को, और राजस्थान पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की वन नीति अपनाई। इसके बाद में आता है सड़क विकास नीति, ये है अपनी 2013 को प्रथम, तो 1994 में, और राजस्थान पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की सड़क नीति बनाई थी। फिर आता है नवीनतम खनिज नीति जो पांचवी है, ये आई थी 4 जून 2015 को, और प्रथम खनिज नीति की बात करें तो ये आई थी 1978 को। फिर आता है राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 को, इसी नीति के अंदर एक ध्येय था कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, तो आपको मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना कब शुरू होती है, तो 2019 को। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं
तो इसके बाद में अपने पास में है राजस्थान कृषि, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात या प्रोत्साहन नीति या थी 17 सितंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को। फिर आती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये कब आई, तो 22 जुलाई 2020 को। ये नई शिक्षा नीति है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया। शिक्षा नीति का प्रारूप की बात करें तो ये के कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति लागू करने वाले वाला पहला राज्य कौन है, तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। फिर आता है राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन नीति, ये आई 15 दिसंबर 2021 को। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कितना परसेंट एथेनॉल मिलता है, पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। फिर आता है कि फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ये आती अपनी 8 अप्रैल 2022 को। और राजस्थान MSME नीति, ये 17 सितंबर 2022 को लागू। और राजस्थान MSME दिवस कब मनाते हैं, ये दिवस मनाते 17 सितंबर को मनाते हैं MSME दिवस। फिर आता है करौली जिले को वर्ष 2022 में MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और अगला है कि राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति कब आई, तो यह आई थी 1 जुलाई 2019 को लागू हुई थी। साथियों ये थी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की क्लास, जिसमें राजस्थान की नीतियों के बारे में बात की। यहाँ से आपके BSTC एग्जाम में 1.5% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अपनी साइंस की जो सीरीज चल रही है, उस साइंस की सीरीज को आपने नहीं देखा है तो एक बार साइंस की क्लासेज मैंने डाली है उसको देखना। अगर आपको ऐसे कंटेंट के साथ पूरी साइंस पढ़नी हो तो वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि आपको साइंस की क्लास कैसी लग रही है। और अन्य भी हम यहाँ से GK के फैक्ट वगैरह डालते रहते हैं, उसका भी आप साथ साथ अध्ययन करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं, वो आप अपने अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपन जो यहाँ से सारे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कभी साइंस का, कभी GK का, कभी राजस्थान GK का, जो भी टॉपिक ऐसे सामने आते हैं जो करंट के हैं, तो वहाँ से तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही ऐसे कोई टॉपिक आते रहते हैं सामने, तो वहाँ से अपन कंटेंट का बना करके वीडियो अपन डालते रहते हैं। साथ ही साथ साइंस की रेगुलर सीरीज चला रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में जिस प्रकार से जो साइंस की सीरीज चल रही है, उसी प्रकार से एक A1 तरीके से मैथ की सीरीज भी चलाने वाला हूँ, जिसमें CET, BSTC, रीट, पटवार जो भी एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स को कैसे क्लियर करें, अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, उसके बारे में मैं अभी मेरी जो स्लाइड वगैरह तैयार कर रहा हूँ, अब उसके बाद अपन क्लास उसकी भी लेंगे। तो अभी आपने ये नीतियाँ पढ़ी, इसके बारे में आपने देखा कि राजस्थान में कौन सी नीति थी, आपने एक एक अध्ययन किया। तो एक बार आप क्विक रीजन के रूप में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि प्रथम राज्य महिला नीति 8 मार्च 2020 को, नवीनतम राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को, एम सैंड नीति 25 जनवरी 2021 को, प्रथम राज्य राजस्थान, राजस्थान पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को, पर्यटन नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान, नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को, गेस्ट हाउस स्कीम 16 अप्रैल 2021 को, पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 21 अक्टूबर 2021 को, प्रथम स्वरोजगार नीति 13 अप्रैल 2011 को, नवीनतम स्वरोजगार नीति 18 दिसंबर 2019 को। 19 का लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक 30,000 मेगावाट का उत्पादन, प्रथम पवन ऊर्जा 2000 के अंदर, और नवीनतम पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड नीति 18 दिसंबर 2019 को। इसके बाद अपने पढ़ा कि इको टूरिज्म नीति 15 जुलाई 2021 को आई, सिल्कोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को आई, सिल्कोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा, दूसरा राज्य राजस्थान, प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में, और राजस्थान ने अपनी स्वयं की वन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना। सड़क विकास नीति 2013 में, प्रथम नीति आई थी 1994 में सड़क विकास की, और राजस्थान पहला राज्य बना जिसने सड़क विकास नीति बनाई है। नवीनतम खनिज नीति जो 5वीं आई है, वही 4 जून 2015 को, और प्रथम खनिज नीति आई थी 1978 को। राजस्थान पशुधन और डेयरी विकास नीति 2019 को, और इसी दिन मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की होती है शुरुआत। आगे बात करते हैं, इसके बाद में पढ़ा था कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात या प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को, नई शिक्षा नीति आई 2020 जो कि लागू हुई है, 22 जुलाई 2020 को जारी हुई है। पहली बार इसको लागू करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश पहला, और इसके प्रारूप तैयार किया शिक्षा नीति का होते के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। फिर आता है राजस्थान एथेनॉल नीति, ये 15 दिसंबर 2021 को जारी हुई। इसमें पेट्रोल की निर्भरता कम करने के लिए पहले 10% पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल मिलाते थे, अब 20% एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी है। फिल्म प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022 को,
एमएसएमई नीति 17 दिसंबर 2022 को, एमएसएमई दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, और 2022 में एमएसएमई में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए करौली को पुरस्कार मिला है, और राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 को लागू हुई। ये थी आज की क्लास, तो आज की क्लास पूरी देखी इसलिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।